हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक के ऊपर कपिल शर्मा शो अपलोड करके महीने के हज़ारों रुपए अर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे महीने के लाखों रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे महीने के हज़ारों रुपए की बात कर रहा हूँ जो कि आप इजीली फेसबुक के थ्रू घर बैठे कमा सकते हो। अभी तक आपने फेसबुक का यूज एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किया होगा, लेकिन अब आप फेसबुक का यूज अर्निंग पर्पज़ से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम फेसबुक से कपिल शर्मा शो अपलोड करके कमाई, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस को आप कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे आप महीने के हजारों रुपए अर्न कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। एक ऐसी यूनिक ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे आप सिर्फ कपिल शर्मा शो पे ही नहीं और भी कई टाइप के कंटेंट पे यूज करके कॉपीराइट से बच सकते हैं और आप अच्छी खासी ग्रोथ भी कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी आप जरूर करें। इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसा ही यूजफुल कंटेंट लेके आने का और ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को शुरू करवाने का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाना है। होम पेज आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो आइकन मैंने यहाँ पे कवर किया उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका जो मेनू है वो शो होगा, जहाँ पे जितने भी पेज आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे पेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हाई सीरियल एंड फनी वीडियोज, ये दो पेज मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, दोनों ही डेमो प्रस्पेक्टिव से बना रखे हैं, ये अकाउंट ही डेमो प्रस्पेक्टिव से बनाया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आपके पेज का नाम कपिल शर्मा शो नहीं रखना है अगर आप वो अपलोड करना चाहते हो तो। कई लोग क्या करते हैं, यही गलती सबसे बड़ी कर जाते हैं कि जो कंटेंट वो डालने वाले होते हैं वही नेम वो अपनी प्रोफाइल में रख लेते हैं, लाइक द कपिल शर्मा शो या कपिल शर्मा वीडियोज, इस टाइप से नहीं रखना है। हमें पेज का नेम कुछ अलग रखना है, लाइक फनी वीडियोज, फनी वीडियो क्लिप, या आप अपने हिसाब से नेम पे रिसर्च करिए। अब अगर आपने पेज अब तक नहीं बनाया है कोई, तो आप सबसे पहले पेज बनाइए। ये देखिए पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको जो है पेज को क्रिएट कर लेना है। हमने ऑलरेडी पेज को क्रिएट करके रखा हुआ है और इसी पेज का हम यूज करने वाले हैं। तो जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो आपको पेज के अंदर जो है बेसिकली चॉइस कर जाना है, यानी कि पेज को ओपन कर लेना है कुछ इस टाइप से। अभी देखिए मैं अपने प्रोफाइल में लॉग इन नहीं हूँ, अभी मैं अपने पेज के अंदर लॉग इन हो चुका हूँ। तो पेज में लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पेज के लिए प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो, ये दोनों ऐड कर लेनी है। बेसिकली इससे होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल फील करेंगे व्यूअर। आपने भी देखा होगा जिन फेसबुक पेजेज के ऊपर या जिस किसी भी प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर या कवर फोटो नहीं लगी होती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। व्यूअर को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आप यहाँ पे कोई फनी इमेज डाल सकते हो। अभी देखिए ध्यान से मैं आपको इसके डैशबोर्ड पे जो है दिखा देता हूँ कि इसमें किस टाइप से ग्रो कर रहे हैं पेज। तो देख सकते हैं ये पेज 100% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये सिर्फ डेमो पेज है, मेरा रियल पेज अभी तक मैंने रिवील भी नहीं किया है, समझ रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पे अगर अपन मोनेटाइजेशन में जाए तो कोई भी इश्यू नहीं है मोनेटाइजेशन में, और 500 फॉलोअर कंप्लीट होते ही मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने लाइव है, राइट। कोई यहाँ पे एडिट किया हुआ चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लाइव देख के बता रहा हूँ आपके सामने। अब हम इसके ऊपर कपिल शर्मा का वीडियो अपलोड करके जो है बताने वाला हूँ आपको। अब वो वीडियोज कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं ये मैं आपको बता दूँ, तो वो वीडियोज आप यूट्यूब पे ले सकते हो, यूट्यूब से इजीली ले सकते हो। आई थिंक सभी को डाउनलोड करना आता है, तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, चलिए उसको एडिट करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एडिट करना है।
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे काइनमास्टर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे अपन क्लिक करेंगे। अब जो रेशियो है हमारा वो यहाँ पे मैं 16:9 का कर देता हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो जो भी रेशियो आप रखना चाहते हो वीडियो का। सो क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एडिटिंग का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो वीडियो डाउनलोड करके रखा है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वीडियो में एडिटिंग आपको कहाँ पे कैसे करनी है, जिससे कि कॉपीराइट के बिना जो है आप सारा सिनेरियो मेंटेन कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट जो है ट्रिम कर लेना है, सबसे लास्ट में आना है एंड लास्ट का जो पार्ट है वो आपको ट्रिम कर लेना है। एंड बीच बीच में आपको जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप जो है और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रीम एंड स्प्लिट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है एंड वीडियोज को ट्रिम कर देना है। राइट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ। सो ये वीडियो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। इसी तरीके से थोड़ा आगे आने के बाद मैं और एक बार इस वीडियो को स्प्लिट कर देता हूँ। इसी तरीके से दो तीन बार स्प्लिट अपने को कर देना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे क्या करना है इसको बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, ये पहला पार्ट था जिसको अपन ने स्प्लिट किया था, तो इसके ऊपर जो है अपन फिल्टर लगा देंगे। लाइक यहाँ पे मैं ये वार्म फिल्टर जो है उसको यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब सेकंड पे आते हैं अपन, यहाँ पे अगेन जाएंगे फिल्टर के अंदर एंड यहाँ पे कोई और फिल्टर आप जो है सिलेक्ट कर दीजिएगा। सो यही चीज़ें जो आपको कॉपीराइट से बचाएगी। थर्ड जो है यहाँ पे अगेन आना है आपको, फिल्टर के सेगमेंट में जाना है एंड यहाँ पे अगेन कोई और फिल्टर जो है आपको लगा देना है। कुछ इस टाइप से आपको कर देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है वीडियो को। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको ये बटन शो हो रहा है, इसी बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। सो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वीडियो आपको जो है सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो को जो है कम क्वालिटी में सेव कर रहा हूँ डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन आप अपलोड करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज करिएगा। सो करंटली यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो वीडियो जब तक सेव हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स अब वीडियो रेडी हो चुका है, उसको हमने काइनमास्टर से डाउनलोड कर लिया है। अब उसको हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फनी वीडियोज पेज ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे जाके मैंने उस वीडियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का, जिन लोगों ने इस वीडियो को अब तक स्किप कर दिया है उनको जाने दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कभी भी इस शो का नेम नहीं डालना है, गलती से भी नहीं डालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो है यूज कर सकते हैं कुछ अदर नेम लाइक फनी वीडियोज, या कुछ ऐसे हैशटैग आप यूज कर सकते हैं जिनसे कि आपका वीडियो वायरल हो। लाइक यहाँ पे फनी मीम्स, फनी मोमेंट, फनी वीडियोज, इस टाइप से आप डालिए कॉमेडी वीडियोज। अगर आप यहाँ पे उस शो का नेम यूज करेंगे तो ऑफकोर्स आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, आज नहीं तो कल आपका पेज जो है बंद हो जाएगा। सो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं वाकई में सीरियस होके, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, वीडियो यहाँ पे आपका जो है अपलोड हो जाएगा, आपको पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपका वीडियो जो है बेसिकली पोस्ट हो रहा है, कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा पोस्ट होने में। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये ब्लू लाइन जैसे ही फुल होगी आपका वीडियो जो है पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो टाइम तो लगेगा अपलोड होने में। तब तक मैं वीडियो को जो है पॉज कर देता हूँ।
सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोस्ट जो है हो चुका है और हमें बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन भी आ चुका है। सो मैं इसको नॉट नाउ कर देता हूँ और आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, हमारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है और ओवरऑल जो सिनेरियो है वो आपके सामने है, राइट। अब यहाँ से वायरल होने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्वालिटी मैंने काफ़ी लो ली थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं डैशबोर्ड में जाके कि हमारे मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन एलिजिबल है और कोई भी इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 500 फॉलोअर कंप्लीट होते ही अर्निंग भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सो कहने का मतलब, आई होप कि आपको पता चल चुका है कि किस टाइप से आपको कपिल शर्मा शो का बेनिफिट उठा के फेसबुक से पैसे कमाने हैं। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और फेसबुक के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।